गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक स्टडी इजी। तो आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल इज़ लाइक अ ब्रिक इन द बॉल। जैसे एक एक ब्रिक से बॉल बनती है, उसी तरीके से एक एक सेल से मिलकर बॉडी बनती है। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की यूनिट है, सिंगल यूनिट है। सेल मिलके ही स्ट्रक्चर बनाता है और सेल मिलके ही फंक्शन प्रोवाइड कराता है। ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जितने भी सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो मौजूद सेल हैं उन्हीं की सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं। कोई नए सेल पैदा नहीं होते हैं, जो पहले से सेल मौजूद होते हैं उन्हीं की सेल डिवीजन होता है, उनसे ही बनते हैं सेल। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल को 1665 में। तो माइकोप्लाज्म गैलिकैप्टियम इज द स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्म एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पर, जो अभी तक जो जितनी भी स्पीसीज हमने पता की हुई है साइंटिस्टों ने, उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्म है। ये स्मॉलेस्ट सेल होता है। और ओबम इज़ द लार्जेस्ट सेल। ओबम लार्जेस्ट सेल है बॉडी के अंदर, सबसे लार्जेस्ट ओबम होता है, जो कि फीमेल बॉडी के अंदर पाया जाता है। फीमेल मेंस्ट्रुएशन के दौरान रिलीज होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि इट हैज़ प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव यानी कि वेल डेवलप नहीं होती है। और यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक मतलब इट हैज़ ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू मतलब जो एक्चुअल न्यूक्लियस होती है, प्रॉपर न्यूक्लियस बॉल के साथ सभी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं, वो होती है ट्रू न्यूक्लियस। प्रीमेटिव मतलब प्रीमेच्योर, पूरी तरह से ट्रू नहीं होती है वो, फॉल्स न्यूक्लियस हम कह सकते हैं, फॉल्स या प्रीमेटिव न्यूक्लियस। प्रीकैरियोटिक सेल इट डज नॉट हैव न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। प्रीकैरियोटिक सेल जो होती है उसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है। और यूकैरियोटिक सेल इट हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है क्योंकि ये ट्री न्यूक्लियस होती है। प्रोकैरियोटिक सेल इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। और यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो मेनली पाई जाती है प्लांट्स और एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इट कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेल। सेल के फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर? सेल का मेनली जो फंक्शन होता है वो होता है सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। दूसरा होता है सेल डिवीजन। तीसरा होता है प्रोटीन सिंथेसिस। एंड फोर्थ इज मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। तो पहला देखते हैं हम सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ की ग्रोथ, उसको ग्रोथ बोलते हैं। सेल ग्रोथ की बात आती है तो जब सेल ग्रो करता है, सेल ग्रो आइदर बाई इंक्रीजिंग इट्स नंबर और इट्स साइज। सेल ग्रोथ होगी या तो उसमें उसका नंबर बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ेंगे, सेल काउंट्स, या उसकी जो है साइज बढ़ेगी, इंक्रीज इन साइज, ये होता है सेल ग्रोथ। और मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म इज़ अ केमिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। केमिकल प्रोसेस जितनी भी होती हैं उसको कैटेगराइज किया गया है एक सिंगल टर्म है, मेटाबॉलिज्म। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म टू प्रोसेस अकर्स, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है प्रोसेस, वो दो प्रोसेस से मिलकर बना है, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और दूसरे को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सेल होता है वो ब्रेक डाउन होता है इंटू सिंपल सेल्स में और रिलीज करता है एनर्जी। वाइल इन एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सेल यूटिलाइज करता है एनर्जी और सिंपल मॉलिक्यूल्स मिल के बनाते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इसमें होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। कैटाबॉलिज्म यानी कटिंग, यानी कि ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में, सी फॉर कैटाबॉलिज्म, सी फॉर कॉम्प्लेक्स। एनाबॉलिज्म में एडिशन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऐड होके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं और एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं। सेकेंड की बात करते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न यानी कि डिवीज़न मतलब ब्रेक डाउन। सेल डिवीज़न सेल का ब्रेक डाउन की प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीज़न। इट इन्वॉल्व द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल सेल। स्प्लिटिंग मतलब ब्रेक डाउन यानी कि टूटना। सेल डिवीज़न में क्या होता है, मदर सेल ब्रेक होती है टू डॉटेड सेल्स में,
इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। दिस रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ब्रीडिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सेल डिवाइड होता है मोर नंबर्स में, सेल डिवीजन के थ्रू सेल ग्रोथ होती है मल्टी सेलुलर में। वाइल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल डिवीजन के दौरान ब्रीडिंग होती है। ब्रीडिंग मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्रीड, इसको बोलते हैं ब्रीडिंग। यूनिसेलुलर यानी कि ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन, वाइल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है। इस तरीके से हमने इसको समझा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसकी ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की, वाइल यूनिसेलुलर में फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्रीड टेक्स प्लेस। और थर्ड आता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इट अकर्स विद इन द सेल बाई टू मेजर स्टेप्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इट अकर्स इन द राइबोसोम एंड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन सिंथेसिस हमारे सेल के अंदर होता है विद इन द सेल बाई टू मेजर स्टेप्स, दो बड़े स्टेप्स होते हैं मेजर स्टेप्स, उनके थ्रू होता है। पहला उसमें स्टेप्स है ट्रांसक्रिप्शन एंड दूसरा है ट्रांसलेशन। ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, DNA, RNA, RNA और RNA का प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये दो प्रोसेस हैं इसमें। देखो इट अकर्स इन द सेल, सेल के अंदर होता है एक राइबोसोम्स के अंदर, और दूसरा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। और फोर्थ इस मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। सेल का काम क्या होता है, सेल का काम होता है मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराना। द सेल मस्ट बी एबल टू एक्वायर न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मॉलिक्यूल टू सर्वाइव। जो सेल ट्रांसपोर्ट यानी कि सेल का काम क्या होता है, सेल का काम होता है न्यूट्रिएंट्स और जो भी आयंस वगैरह होते हैं उन सब का ट्रांसपोर्ट कराता है बाहर, इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की तरफ। तो ये फंक्शन थे सारे। इसमें सबसे पहला आता है सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ये सेल के फंक्शन है सारे। सेल डिवीजन दूसरा फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस ये दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन है, एंड फोर्थ इज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। सेल का काम क्या होता है, सबसे पहले ग्रो करता है, ग्रो होने के बाद इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन साइज, और दूसरा मेटाबॉलिज्म सेल के थ्रू होता है, सेल के अंदर होता है मेटाबॉलिज्म। और दूसरा स्टेप होता है सेल डिवीजन जो मल्टी सेलुलर में, तो सेल मल्टी सेलुलर में ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराता है और यूनिसेलुलर में ब्रीडिंग कराता है। और तीसरा आता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी, एनर्जी जो एनर्जी के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और चौथा होता है मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। सेल ये जो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराता है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो सब सेल की हेल्प से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।